क्रिएट करें कनेक्टिविटी करें नेटवर्किंग करें और जो चैलेंजेस हैं उनको महसूस करें सबसे बड़ा चैलेंज आप हमारी कम्युनिटी की इन्वालमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फील कर सकते हैं कि कम्युनिटी कितना इन्वॉल्व होती है हमने एक बहुत बढ़िया लोकेशन ढूंढ के और बहुत बढ़िया स्पीकर्स को इन्वाइट करके इस कार्यक्रम को सजाया है वी होप के लोग आते रहेंगे दिन में लेकिन जितने भी आएंगे वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं हमारी टैग टीवी की टीम आ, इसको रिकॉर्ड कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ जो भी आज बातचीत होगी और कल होगी ये आज के लिए नहीं है ये सोशल मीडिया पे फॉर रहेगी ताकि आप ब्रेन करते रहें और वी होप के लोग और आएंगे जैसा हलीमा ने बताया कि जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे आएंगे बारह बजे और बहुत बढ़िया बात है कि वो समय निकाल कर आएंगे लेकिन हमारी कम्युनिटी जितना भी ज्वाइन करेगी हम उनको वेलकम करते हैं और जितना ना भी कर सकें उनको सिर्फ अवेयर कराएंगे उन के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि ये सारे का सारा काम हमारा कोई पर्सनल नहीं है हमारे इस लिटरेरी फेस्टिवल का जो सबसे बड़ा थीम है वो ये है कि इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदू सिविलाइजेशन कहाँ है और फिर सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू सिविलाइजेशन अगर मौजूद ही नहीं इन्वॉल्व ही नहीं हिंदू सिविलाइजेशन के लोग मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि आई ए प्राउड हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ ये एक बड़ी मुश्किल बात है ये कहना आ, इवन मेरे अपने हिंदू बहन भाई इस बात को नहीं समझ पाते कि एक मुस्लिम फेथ का आदमी कैसे अपने आप को प्राउड हिंदू कह सकता है इसलिए कि फेथ इज लाइक अ रोटरी क्लब सिविलाइजेशन इज वे बिगर देन फेथ हमारी सनातन जो सिविलाइजेशन है वो धर्म भी है सिविलाइजेशन भी है सब कुछ है जो दूसरे कुछ धर्म है मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ उन धर्मों में फेथ क्लब का कॉन्टेक्स्ट होता है जैसे फॉर इंस्टेंस मैं इवन इस्लामिक सिविलाइजेशन भी नहीं कहता क्योंकि मेरा मेरे पास मुस्लिम कार्ड भी है अरब सिविलाइजेशन है वो सेपरेट है एक मुसलमान साउथ एशिया का भी हो सकता है सोमालिया का भी हो सकता है टर्की का भी हो सकता है किसी भी दुनिया की धरती से चाइना का भी हो सकता है मगर वो चाइनीज़ होगा पहले चाइनीज़ मुस्लिम इसी तरह मैं भारतीय मुस्लिम भारतीय पहले हूँ भारतीय हिंदू पहले हूँ और ये ये जो डिफरेंस है इवन अरब सिविलाइजेशन में भी आपको ताहिर क्रिश्चियंस भी मिलेंगे आपको यजीदी भी मिलेंगे आपको पेगन नाम के भी इस नाम के पेगन्स भी मिलेंगे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे अरब सिविलाइजेशन का नाम है ताहिर मुस्लिम सिविलाइजेशन नहीं है वो फेथ क्लब है लेकिन हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जो सनातनी वैल्यूज़ पे बेस करता है अरुणा पैप दीदी मेरी बैठी हुई हैं इनका क्रिश्चियन फेथ है मेरा सो कॉल्ड एवज बॉर्न इन अ मुस्लिम फेथ मैं दीदी को हमेशा नमस्ते कहता हूँ वो मुझे नमस्ते कहती हैं हम सब आपस में एक सिविलाइजेशन के साथ बंधे हुए हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है लोग किसी भी समिट में कम आए ज़्यादा आएं वो एक अलग बात है बात ढंग की होनी चाहिए जैसे आज इस वक्त हम पंद्रह बीस लोग अब तक जमा हो गए हैं बहुत वैल्यूएबल हैं असल बात बीस तीस लोगों में ही होती है लेकिन हम वेलकम करेंगे और देखेंगे टेस्ट करेंगे इन दो दिनों में कि हमारी सिविलाइजेशन के जी में रहने वाले लोग कितना हमारे साथ जुड़ते हैं मैं ठीक 11 बजे हैं मैं वेलकम करता हूं खुश आमदेद कहता हूँ दीदी डॉक्टर रागनी शर्मा जी से कि वो आए और बहुत बढ़िया जो सब्जेक्ट है जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हिंदू फोबिया के कॉन्टेक्स में उस पर बात करेंगी और मैं यहाँ पे अपने दो गेस्ट जो हमारे बहुत स्पेशल हैं उनको कहता हूँ कि वो भी यहाँ आके बैठें और दीदी तो सीधा इधर आएंगी आरफ अजाकिया जी लंदन से तशीफ लाए खास पर और तो प्लीज दीदी आप आइए नमस्ते जय श्री राम जय श्री राम सो हैप्पी टू बी टुडे and i want to start with uh, a prayer guru brahma guru vishnu guru devo guru sakshat param brahma tasmay sri gurave namaha om shanti 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 देखिए हमारे ट्रेडिशन में कोई भी नॉलेज का सेशन होता है तो उसको स्टार्ट करते हैं बाय एक्नोलेजिंग जो हमारे आ, गुरु हैं तो आई लाइक टू स्टार्ट विथ विद रिकग्नाइजिंग द गुरु परंपरा जिसने ये भारतवर्ष में इतना सुंदर धर्म सनातन धर्म को जन्म दिया जिसको हम बचाने के लिए हमेशा से लगे हुए हैं एक हज़ार से Um, मैं क्षमा मांगती हूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगा लेकिन होपफुली um, uh, थोड़ा बहुत मैं हिंदी में बोल सकूँगी uh, हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट नेक्स्ट प्लीज तो ताहिर भाई आपने मुझे uh, फ्लायर के थ्रू बताया कि मैंने किस 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 टॉपिक पे बात करना है, <laughs> तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ देखिए मैंने गुरु परंपरा के बारे में बात किया तो ये मेरे श्री श्री गुरु हैं श्री श्री रविशंकर ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं और उनके बगल में राजीव मल्होत्रा की किताबें हैं क्योंकि वो मेरे एकेडमिक गुरु हैं जब मैं अपना पीएचडी कर रही थी तो मेरे ख्याल से आई वुड हैव ड्रॉप्ड आउट मैं इतनी परेशान थी क्योंकि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में योगा पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो उनकी जो दृष्टि होती है वो सनातन धर्म की दृष्टि नहीं है वो उनकी वेस्टर्न लेंस है तो वो हमें जो है जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े जैसे हमको स्टडी करते हैं ना वैसे हमें देखते हैं अरे इनके में क्या नुक्स है तो वो अपने तरफ से वेस्टर्न यूरो यूरोन वटेवर व्यू से हमें देखते हैं तो उस वजह से जो स्टडीज़ योगा पे वो कर रहे थे तो वो बहुत ही अजीब सी थी क्योंकि वो उसको खाली फिजिकल एक्सरसाइज देखते थे और उसमें बड़ी रिसर्च कर रहे थे मन थाउजेंड्स आप समझिए कि थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स उन्होंने कर रखे हैं और उसमें वो कंपेयर करते हैं कि भाई स्विमिंग के साथ योगा इज़ बेटर और देन स्विमिंग या अब लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर इज दैट बेटर इस टाइप का उन्होंने इतनी रिसर्च करी है तो मैं कहूँ अरे ये कोई योगा हुआ <laughs> तो बड़ा चंबा हुआ तो एनी मैं इसके चक्कर में रिसर्च में मैंने अपनी थीसिस लिखी और आ, ये आपको इसमें मैं सबको अभी उनकी किताबें uh, YouTube पे उनके लेक्चर्स हैं और उनकी किताबें बहुत ज़्यादा हैं आप मैं इनक्रेज ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज लुक एट हिज बुक्स बिकॉज ही प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क देखिए अगर हम बोलते रहेंगे कि हमें ये uh, कोई चीज़ अगर आपको uh, बतानी हो किसी को जैसे थियोरीज होते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिद्धांत ना बिना सिद्धांत के आप अगर किसी को कोई चीज समझाएंगे ना तो वो मतलब कि उसका फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ है जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें स्केलेटिन है तो स्केलेटिन के चारों तरफ पूरी बॉडी बनी हुई है तो बिना स्केलेटिन के आपको पता नहीं कि कहाँ पे कौन सा आइडिया हैंग करना है तो ये राजीव मल्होत्रा जी जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क जिस में आप समझ सकते हैं तो उनके ये फ्रेमवर्क्स हैं उनकी सबसे बड़ी किताब में जो हिंदी में भी अवेलेबल है गुजराती में भी अवेलेबल है अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है आप वो किताब पढ़िए वो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है जिसमें उन्होंने बताया है कि हिंदू सनातन धर्म क्यों मतलब इटर्नल जिसको कहते हैं ना सनातन धर्म क्या है और कैसे वो फ़र्क है दूसरे पंथों से आ, बाकी सब पंथ हैं और धर्म तो एक ही है क्योंकि इसमें सच्चाई है और हम सबको आदर करते हैं सबको अपने फोल्ड में लेते हैं सभी हमारे हैं हमारे आइडियाज हैं आ, वासुदेव कुटुम्बकम और हमारी हर जो प्रेयर होती है पूजा होती है उसमें हम सब हमेशा बोलते हैं ओम शांति शांति सर्वे भवंतु सुखी नहा हम सबके लिए हमेशा खुश मनाते हैं तो हमारा एक धर्म यह है जो सबके लिए खुशहाली चाहता है खाली हिंदुओं के लिए नहीं तो ये हमारा जो मैसेज है ना सनातन धर्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अचंबे की बात यह है कि 1000 साल से हम ही को लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सबसे खराब हैं। ये कैसे हो गया किसी को समझ में नहीं आता माने सारी दुनिया में प्रचार एक हजार से ये हो रहा है और यहाँ आज तक कि हिंदू सबसे खराब है अब आप न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए कहीं पे भी आप जाएंगे अगर आप देखेंगे तो यही है उसको हमने हिंदू फोबिया के नाम पे अब ये टर्म जो है हिंदू फोबिया थोड़ा कॉन्ट्रो हाउ मेनी ऑफ यू डोंट अग्री विद दिस टर्म बी ऑनेस्ट ओके <laughs> कोई बात नहीं देखिए ये टर्म जो है इस्लामोफोबिया के बाद लिया गया तो लोग कहते हैं कि इसको कॉपी करना आ, अच्छा नहीं है क्योंकि नो बडी इज अफ्रेड ऑफ हिंदूज ये लोग कहते हैं लोग ने डिफरेंट टर्म्स सजेस्ट किए हैं हिंदू मीसिया और और भी कुछ हिंदू हेट्रेड, एंटी हिंदू सेंटिमेंट मैं जब मीटिंग्स में जाती हूँ पुलिस में या सिटीज़ में तो वो लोग कहते हैं कि ये हिंदू फोबिया वर्ड हमें नहीं पसंद है आप इसको कुछ हिंदू कुछ और बोलिए एंटी हिंदू बोल, बोल दीजिए तो ये लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये हिंदू फोबिया जो वर्ड है ये बहुत पुराना है अब बीस साल से ज्यादा से यूज हो रहा है राजीव मल्होत्रा ने इसको रिवाइव किया था वैसे तो ये वर्ड पहले भी था लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूडेज जो आजकल हिंदुओं के ऊपर ओप्रेसर का जो टाइटल लगा दिया है कि हिंदू जो हैं कास्ट ओप्रेसर हैं मैं इसके बारे में एक और स्लाइड डालूंगी तो ये डेफिनेशन है मैं इसको पढ़ूँगी नहीं आप इसको कहीं पे भी देख सकते हैं और आ, इसका ये है कि आजकल सारी दुनिया में इनफैक्ट इंडिया में भी यही रेटरिक चल रहा है कि हिंदू सबसे ज़्यादा ओप्रेसिव मेजॉरिटी हैं और सबको ओप्रेस करते हैं तो ये मैसेज बहुत गलत है बिकॉज थ्रूआउट हिस्ट्री पीपल फॉम ईरान जो आए थे अपने आए थे, जूस आए थे मुस्लिम आए थे सारी दुनिया से जब लोग आए थे शरण लेने अपने आप देखिए दलाई लामा भी आए हुए हैं है ना तो सारे पंथों के लोगों को तो हम ही लोग ने शरण दिया लैंड भी दिया पैसा भी दिया और कि तुम आजादी से रहो और जो भी आपका यू नो परंपराएं हैं अपनी फॉलो करो बिकॉज हम सब एक हैं तो ये मैसेज जो है हमारे हिंदू धर्म का है लेकिन आप मैं आगे, आगे आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है आगे नेक्स्ट अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है अभी आई वॉज आई वॉज इन इन अनदर टॉक जो कोहना ने ऑर्गेनाइज की थी एक जर्सी में आ, तो उस टॉक में मैं इसी टाइप का टॉक उन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो मैं दे रही थी तो ये हिंदू फोबिया पे बात हुई तो यही बात हुई कि भाई हिंदू उसके अगेंस्ट क्या फोबिया हो सकता है हम तो सबसे अच्छे हैं सारी दुनिया में सारे उदारता में तो हम सबसे आगे हैं तो हिंदू फोबिया क्या चीज़ होती है तो फिर राजीव मल्होत्रा मैं अपने जब टॉक के बाद उन्होंने मुझे ये टेक्स्ट भेजा <laughs> कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू फोबिया नहीं है उनको ये लिस्ट भेज देना तो इसमें उन्होंने बोला देखिए आरएसएस फोबिया है दुनिया में ये कहा जा रहा है कि आर एस एस इज ए ऑर्गेनाइजेशन है आप कहीं चले जाइए अगर आप आर एस एस से हैं तो वो आप यूनिवर्सिटी में आपसे भाग जाएंगे वो लोग मोदी फोबिया है बीजेपी फोबिया है कि ये ये टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदू नेशनलिस्ट हैं हिंदुत्व है, हिंदु हैं हैं राम फोबिया है, अच्छा ये अचंभे की बात है राम मसोजनिस्ट है है इसके राम के बारे में राम अब आप देख लीजिए अभी फ्लोट जो है न्यूयॉर्क में एक फ्लोट जाना था जिसमें श्री राम का आ, की मूर्ति भी लगाई जा रही है मंदिर के सामने उसके पीछे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है कि वो नहीं अलाउड होना चाहिए फ्लोट है कि राम जी श्री राम का फ्लोट के अगेंस्ट ये हो रहा है प्रचार की नहीं अलाउ होना चाहिए अब आप देख लीजिए राम फोबिया स्वस्तिक फोबिया अब उन्होंने स्वस्तिक हमारा सीकृत स्वस्तिक को लेके बोलने लगे कि ये तो नाथसी सिंबल है अब देखिए कितनी एजुकेशन की जरूरत है इसके अगेंस्ट की अब देखिए अब, अब हिंदू टेम्पल में जाएंगे स्वस्तिक दिखाई देगा तो कहेंगे अरे देखो ये नाथसी यहां से इंस्पायर हुए कितना गलत है बिल्कुल सरासर झूठ है नथिंग टू डू स्वस्तिका तो हमारा है नाथसी सिंबल तो हक एंड क्राउज है हुक क्रॉस विच इज गॉट नथिंग टू डू है अच्छा अब आगे देखिए इसमें आर्योग आपने सुना होगा आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ना कि बाहर से आए आर्य आर्य लोग बड़े खराब हैं अब रखिए ब्राह्मण फोबिया एवरीबडी अंडरस्टैंड संस्कृत फोबिया राजी जी रोट अ बुक ऑन द बैटल फॉर संस्कृत जिसमें बताया उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि uh, संस्कृत लैंग्वेज को अप्रेसिव डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो लैंग्वेज थी वो इलिटेस्ट लोग थे ब्राह्मणों ने बचा के अपने लिए रखा था और ये इस वे ऑफ कंट्रोलिंग सोसाइटी बाय बाय द लैंग्वेज फिर आर्या फोबिया मनुस्मृति ऑफकोर्स बिकॉज हमारे हमारी कोई एक किताब तो है नहीं हमारी तो लाइब्रेरी है हाँ अब कितने लोग हिंदुस्तान में आप बताइए मनुस्मृति को पढ़ते हैं लेकिन उसी पे उसी के आधार पे हमारी बे, बेजती और बे, हमको बताया जा रहा है कि हम ओप्रेसिव हैं अब आप ये देख ली कृष्णा फोबिया आप मानेंगे नहीं कितना प्रचार हो रहा है कि हमारी महाभारत और श्री कृष्ण जो थे वो फैमिली में वोर कराना सिखा गए महायुद्ध करा गए अब आप समझिए कि इस टाइप का फोबिया फैलाया जा रहा है अब ये देख लीजिए अपर कास्ट हिंदू वो तो सब जानते हैं श्री राम कृष्ण परमहंस इस पे आप अगर वीडियो पे कभी आएगा आप इस पे खुद का अपना रिसर्च एंड ऑफ कोर्स एंड में आइडो uh, लेटर्स हम लोग जो हैं मूर्ति पूजा के चक्कर में हमें बहुत ही इग्नोरेंट और बोला जाता है कि ये है तो पूरा इसका इन्फ्लुएंस इस टाइप की बातों का इन्फ्लुएंस ये होता है कि लोग सोचते हैं कि हिंदू जो धर्म है एक तो हम रिलीजन तो है नहीं हमारा तो वे ऑफ लाइफ है लेकिन हमको रिलीजन बोलना ही पड़ेगा अदरवाइज वी वॉन्ट गेट अ सीट एट द टेबल जब हमारे बारे में बात कर रहे होंगे तो हम साथ अपना व्यू नहीं दे सकते तो इसका ये इन्फ्लुएंस है कि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन हमारे धर्म के अब आप देखिए नेक्स्ट प्लीज तो आप लोग जो आए हुए हैं और जो सुन रहे हैं एम्बेडर देख जब मैं किसी से मिलती हूँ अपने यू नो पोलिटिकल ये अपना करती हूँ तो कई बार uh, जैसे मैं मिली थी uh, डरम रीजन के जो uh, बहुत सीनियर एक ब्यूरोट हैं डेप्यूटी एजुकेशन के जो uh, है ऑफिसर तो हम उनसे बात कर रहे थे हिंदूफोबिया का तो कहते वो वो आई हैव मेनी हिंदू फ्रेंड्स और मिलिसा लैंसमैन जैसे उसने हमारा हिंदू फोबिया का पिटिशन uh, था उसने लॉन्च किया था हमारे लिए वो भी कहती कि मैं छोटी जब थी तो मेरे बड़े हिंदू दोस्त थे और उन्होंने uh, मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया हमने खाना खाया ये खाया वो खाया दोस्ती बनी सो so, देखिए टू हैव सॉफ्ट पावर कहते हैं इसको इन्फ्लुएंस जो हम सब जो भी आप अपने काम पे Uh, अपने नेबर के साथ आपके बच्चों के फ्रेंड्स के साथ जिससे आप जैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं ना उसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर हो रहा है वो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ऑन अ पर्सनल लेवल ताहिर भाई वुड यू अग्री हाँ आरिर भाई तो क्योंकि आई थिंक वी आर वेरी गुड पीपल एज नेबर्स आई नो आजकल कल लॉर्ट एन ब्रैमटन सॉरी ब्रैम्पन वेरी बिग सिटी ब्रैम्टन में थोड़ा बुरा हाल है काफी कंप्लेन है हमारे कम्युनिटी के अगेंस्ट बट इन जनरल आई थिंक द हिंदू कम्युनिटी इज वेरी वेल इंटीग्रेटेड इन टू ऑल सो वी 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 आर वेरी गुड ऑन दैट लेवल अब हमें करना क्या है कि हमें इसको घर पर तो हम अपने बच्चों को करना है एट होम मैंने डाल दिया कि आप अपने बच्चों को हमारे संस्कार पास ऑन करें हमारी कहानियां बताएं ताकि उनको प्राइड हो अपने कल्चर पे। है दे शुड नो व सनातन धर्म स्टैंड फॉर और जैसे हमारे स्कूल्स में आजकल हमें सुनाई दे रहा है कि लोग उनको कन्वर्ट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट रिलीजन्स उनको बोल रहे हैं कि यू you नो know, आपका खाना में बदबू है या आप वेजिटेरियन हैं तो ठीक नहीं है और यू नो अब मूर्ति पूजा करते हैं तो इस टाइप का बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है स्कूल्स में हमारे बच्चों की uh, कलर देख के बोलते हैं कि जाओ अपना हाथ धो तुम तो गंदी हो यू नो एम डॉटर डॉट ओवर टोल दैट कि यू आर डर्ट गो वॉश योर हैंड्स यू नो सो देर इज़ अ लॉट ऑफ बुलिंग इन द स्कूल्स अबाउट आर कल्चर मजाक उड़ाना कि भी हनुमान तो फ्लाई नहीं करता ऐसा क्या है आपका तो बड़ा बेकूफ़ी का uh, बातें हैं आपके धर्म में तो हमें अपने बच्चों को घर पे सिखाना पड़ेगा कि इस टाइप का अगर हुआ तो मेक श्योर sure वो आपको बताएं दूसरा कि आप उनको सपोर्ट कर सके कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है ठीक है घर का तो बात हो गया काम पे Uh, बड़े लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं मैंने सुना है लेकिन मोर ऑफ अस यूज टू डू जैसे दिवाली में आप आ, अपने कोई इवेंट करें उनको बताएं दिवाली क्या है आपका इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कि आप दूसरों को समझाएं कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है क्यों हम दिवाली स, आ, मनाते हैं क्यों इट्स द विक्ट्री ऑफ ऑफ गुडनेस ओवर ईवो द रिमूवर ऑफ़ ऑफ डार्कनेस बाई लाइट इस टाइप का मैसेज उनको दट ई कैन रिलेट टू तो लोग काम पे मिठाई देते हैं या एक्सटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं काम पे आप कर सकते हैं ऑल ऑफ यू प्रोबली आर इन सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ए डी आई डिपार्टमेंट एवरीबडी नोज डी आई डिवर्सिटी इंक्लूजन एंड एक्विटी पता है ना हर आजकल ये बिल्कुल वाइल्ड फायर एवरीबडी ऑब्लिगेशन सरकार में तो खैर एब्सोल्युटली स्कूल बोर्ड्स में तो बहुत ही बुरा हाल है तो आप लोग जो हैं अगर मौका मिले तो अपनी डीआई डिपार्टमेंट e. uh, में हिंदू रिप्रेजेंटेटिव जरूर बने तब आपको समझ में आएगा और सुनाई देगा कि हमारे धर्म के बारे में हमारे लोगों के बारे में क्या प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है एंड यू विल बिकम अलर्ट एंड जस्ट योर प्रेजेंस Will stop a lot of some of this because they will not have the courage to say those things if you are present. So you must join any uh, organization. Each one of us can make a difference if we show up to any committee that is talking about interfaith issues, any opportunities. In fact, uh, my assessment is that Hindus are not taking as much.

देखिए अपनी हमारी मीना जी सर हिला रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो डांस दा, है नृत्य है म्यूजिक है हमारे तो समवेदा भी है है ना तो द डेप्थ ऑफ नॉलेज आर्किटेक्चर आप देख लीजिए क्या मंदिर है क्या हमारी ब्यूटिफुल नॉलेज है एंड इट्स ऑल धार्मिक वी to है thousands ऑफ years बिफोर यहाँ पे तो लोग गेज में रह रहे थे हमारे यहाँ वो मंदिर बन गए थे आप सोचिए ज्योमेट्री और कितनी नॉलेज थी उनको है ना तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोई यहाँ पे मेंबर है आर्ट गैलरी का हमारा हिंदू है कोई तो आप अगर मेंबर होंगे तो वहां के लोग मे बी देर डिस्प्ले ऑन हिंदू आर्ट है ना अभी मैं आपको बताती हूँ हिंदू फोबिया की स्टोरी यहाँ पे ओकेद एक यूनिवर्सिटी है वहां पे स्टूडेंट्स एक हिंदू क्लब बनाना चाहते थे तो उनको पता नहीं हिंदू क्लब मत बनाओ बिकॉज ऑफ हिंदू फोबिया कि नहीं इंडियन क्लब बना लो तो उसने कहा नहीं क्यों हम तो हिंदू क्लब बनाएंगे वो एच एस एस के बच्चे थे उनको इन धर्मा ये बहुत जरूरी है तो उनको uh, उन्होंने इंसिस्ट किया वो क्लब बन गया सो दे स्टार्टेड अपना उन्होंने शुरू कर दिया फर्स्ट थिंग दे कर दिया उसका पोस्टर लगाया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग आए ऊपर से स्लैश किया हुआ था नो हिंदुत्व इन इन कैनेडा फिर पुलिस को हमने फोन किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया पता चला कोई अपना ही हिंदुस्तानी आदमी, वोमन फेलो स्टूडेंट अपने लोग ही अपने सबसे बड़े दुश्मन है वो भी सब हिंदू फोबिया है ना वो उनके दिमाग में भी बैठा हुआ है तो बाहर के लोग तो कर ही ले अपने लोग भी कर रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी सोसाइटी को आई थिंक वी ऑल रिलेट टू दैट और इस, इस वजह से इस टाइप का अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट प्लीज अब आप ये देखिए एकेडेमिक फोबिया मैं तो एकडेमिक हूं सो अलॉट ऑफ माई वर्क इज इन राइटिंग एन एकेडेमिक फोबिया लेकिन आपको ये समझ आई थिंक हाउ मेनी पीपल नो कि येस्ट ऑन ऑगस्ट फिफ्टीन ताहिर भाई आपको मालूम है कंकोडिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी ऑन ऑन हिंदू फोबिया हिंदू फोबिया कॉन्फ्रेंस की इंडिया और अपने अपने हिंदूज कितने ऑप्रेसिव हैं एक अभी वहां से तीसता शीतलवाद को लेके आए थे अभी वो होने वाली थी ताहिर भाई इज इट ट्रू कि वो कैंसिल हो गई yes, हाँ मैंने एक आई थिंक राव जी है अच्छा जी थैंक यू हाँ नहीं नहीं आप आपने बोल दिया वो काफी है लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को स्थान दिया जा रहा है प्रीमियर यूनिवर्सिटीज में कनाडा में और अगस्त फिफ्टींथ की आप डेट समझ के और ये सब पहुंचे हुए हैं ये देखिए ये उसका पोस्टर लगा हुआ है हाँ और ये इनके इनके नीचे जो इनके इनके कोहोर्ट्स जो इनके नाम है इनके सपोर्टर्स के जस्टिस फॉर ऑल जस्टिस फॉर ऑल से ज्यादा हिंदू फोबिक ऑर्गेनाइजेशन तो कनाडा भर में नहीं है इन्होंने पे और और कितनी पे अटैक किया है और सर और और है और 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 सरासर झूठ ये भी इनके सदन सदन स्टैंड फॉर साउथ एशियन दलित इन लोगों ने कास्ट का मोशन पूरे कनाडा में पीछे लगे हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी तो इस टाइप के लोग हैं अब ये जो है रिवाइव कर रहे हैं जो दो साल पहले इन्होंने डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर थी जिसमें 200 यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और कंप्लीट हेट टुवर्ड्स हिंदूज एंड इंडिया ये लोग कर रहे थे और ये वेस्ट में खुलेआम करते हैं और अपने लोग कर रहे हैं ये क्यों क्योंकि उनको जॉब मिलता है उनको प्रमोशन मिलता है सिस्टम ऐसा बना हुआ है राजीव जी ने बताया ना वो पी, ऐसा पियर ग्रुप बनाया है कि कबाल है जैसे उनका क्लब है जब तक आप हिंदू को हेट नहीं करेंगे ना वो आपको दाखिल ही नहीं करेंगे तो वो गेटकीपर्स हैं तो कास्ट मोशन जो अभी पास हुआ था टोरटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में उनकी जो प्रवक्ता थी उनके जो मोशन को पास इंट्रोड्यूस कर रही थी वो भी इसीलिए कर रही थी मुझे पता चला कि उन्होंने टेन्यरशिप की अप्लाई किया हुआ था और जब तक आप एंटी इंडिया कास्ट वगैरह के में बात नहीं करेंगे ना तो आपको वो एडमिशन ही नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक आप इस टाइप का काम नहीं कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में आपको स्पॉट नहीं मिलेगा सो ये दुर्दशा है और हमारे लोग जो हैं हमारे को तो अंदर नहीं आने देते अगर जैसे मैंने बताया ओकेद okay, यूनिवर्सिटी में वो जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि वो लोग ऐसे लिखना चाहते थे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू धर्म तो उनको मना कर दिया उनके प्रोफेसर ने कि और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी हमने सुना स्टूडेंट से कि उन्होंने कहा कि कुछ अच्छी बात करना चाहते हैं हमारे सिविलाइजेशन का तो उनको बोलते नहीं ये ये नहीं ठीक है बिकॉज दिस इज प्रमोटिंग हिंदुत्व अब बताइए ये भी कोई बात है सो यूर नॉट अलाउड टू से एनी थिंग गुड अबाउट हिंदू धर्म मैंने मैं तो कॉन्फ्रेंस में थी बच्चों की जो हुई थी अभी कोना ने की थी राजीव जी के साथ मैंने तो सबको बोला मैं आपको सबको बोलती हूँ अगर आपके कोई जान पहचान में यंग पीपल हैं यूनिवर्सिटी में आप उनको सबको बोलिए कि दे शुड राइट एसेज on ancient hindu civilizations our contributions are incredible from zero to algebra to math of every kind to science technology अब देखिए फर्स्ट टॉयलेट तो इंडिया में ही बना था ना पूरे अपना मोहेंजोदारो में सब जहां-जहां पता चला है ठीक है तो सब कुछ तो हमने कंट्रीब्यूट किया और हम सबसे ज्यादा खराब हो गए आजकल बिकॉज़ हमें वो स्थान ही नहीं मिल रहा है जहां पे तो आगे चलिए प्लीज अच्छा तो देखिए ना काम तो हम ही को करना है ना तो आई सकती तो मैंने खुद अपनी सेवा जो है हिंदू धर्म के थ्रू की है और ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन हमारी का है इसको फाउंड किया कि देखिए एक बात मैं बोलना चाहती हूँ अकेले जो भी आप कर सकते हैं हाँ हाँ करें लेकिन एक संस्था से जुड़ने का बहुत फायदा ताहिर भाई डोंट यू अग्री एक संस्था से जुड़ने से एक एक्स्ट्रा जो होती है ना ग्रुप का जो अगर आप बोलेंगे कहीं जाएंगे स्कूल बोर्ड में बोलेंगे हम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं पता नहीं कितने लोग इनके पीछे हैं है ना तो ये हमेशा आप देखिए सारी दुनिया में संस्थाएं इसीलिए हैं क्योंकि आप ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हमने कोही को फॉर्म को किया था और इसके तहत हम काम कर रहे हैं तो ये सबसे पहले किताब ये अवेलेबल है हिंदू हेरिटेज मंथ में अगर आप कोई पेरेंट्स हैं या किसी को जानते हैं आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे है इन्फो कोही डॉट ऑर्ग है ये एटी पेजेस की डॉक्यूमेंट है और सारी दुनिया में टीचर्स ने इसको डाउनलोड किया गुड कमेंट्स अब ये पाँच साल से ज़्यादा पुरानी हो गई है और एवरीबडी हैज़ रियली लव्ड इट एंड इट्स अ वेरी एकेडेमिक काइंड ऑफ पेपर ठीक है इसमें रेफरेंसेस हैं इसमें अबाउट हंड्रेड रेफरेंसेस हैं जो भी मैंने क्लेम किया है अपना जैसे एल्जेब्रा और मैथ उसका फिर मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है तो ये बड़ी अच्छी रिसोर्स है टीचर्स uh, आप अपने बच्चों को टीचर्स के यहाँ भेज सकते हैं नेक्स्ट प्लीज आप मुझे पाँच मिनट का वो दे दीजिएगा वार्निंग खत्म होने का हाफ एन हो गया अरे हाफ आर आपने दिया था हो गया अच्छा ओके अब ओके सो लेट्स राइट अप ये देखिए तो एक दो फोटो है हमने देखिए हिंदू हेरिटेज मंथ को सेलिब्रेट के लिए हमने एक बार श्री राम की थीम चूज करी बड़ा हंगामा किया उन लोगों ने कहने लगे नहीं नहीं राम का थीम नहीं ठीक है और जय श्री राम तो बिल्कुल भी मना ब, बोल नहीं सके हम लोग लेकिन बोला वंस द थीम का सिलेक्टेड से नेक्स्ट प्लीज जल्दी से खत्म करते हैं अच्छा ये स्कूल बोर्ड में एक रिसोर्स मैंने लिखी है नेक्स्ट uh, अच्छा इस इसमें ये बड़ा अच्छा इंस्टेंस इन, हुआ कि हमने इसमें स्वस्तिक स्लिप कर दिया तो एक पूजा थाली में स्वस्तिक काम इंट्रोड्यूस कर दिया तो स्कूल बोर्ड वालों ने कहा ये तो गलत है स्वस्तिक तो लगा ही नहीं सकते ये तो हेड सिंबल है फिर हमने फिर उनको इन्फॉर्मेशन भोज एंड वी हैड टू गो थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशंस उनका डिपार्टमेंट है फॉर अलाउिंग अस टू इंक्लूड द स्वस्तिक तो आप भी अगर आप किसी स्कूल में बुलेटिन बोर्ड हिंदू हेरिटेज मंथ का लगाते हैं उसमें आप स्वस्तिक लगा दीजिए और अभी एक स्कूल में नेक्स्ट प्लीज ये मैंने बहुत प्रेजेंटेशंस किए हैं ऑल ओवर फ्रॉम सिटीज टू पुलिस टू एजुकेट देम अबाउट हिंदुफोबिया प्लीज गो है एक मैंने ये फोर्टी फोर पेज की डॉक्यूमेंट है ऑन रिकग्नाइजिंग हिंदुफोबिया इट्स ऑन माय वेबसाइट ऑन आर वेबसाइट और ये बहुत जरूरी काम है कि हम लोगों को एजुकेट करें सो प्लीज़ है लुक इफ दोस्टेड नेक्स्ट प्लीज ये एक बहुत बड़ा काम किया था हमने ये कास्ट मोशन का ओ दिस इज द रेकग्नाइज हिंदू फोबिया हमने बड़ी मेहनत करी थी हमारी बहुत बड़ी टीम थी दिस इज नॉट ए इंडिविजुअल एफर्ट सब ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था नेक्स्ट प्लीज ये फेल हो गया था बाय द वे गवर्नमेंट डिड नथिंग बिकॉज हमारे हमारे कम्युनिटी में कोई मतलब वी आर स्टिल वर्किंग ऑन डिवेलपिंग अ वोट बैंक आई डोंट नो इफ वन बट This is the the ही TDSP thing next please. थिंक नेक्स्ट ये मेरा आपको फाइनल मैसेज है कि क्यों जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं हिंदू फोबिया के अगेंस्ट क्योंकि हम अगर करेंगे नहीं तो हमारे बच्चे स्कूल में बुली होंगे आपके काम पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका कास्ट क्या है और आपके लास्ट नेम के आधार पर आपको बोला जाएगा कि आप ओप्रेसिव हैं और आप जाती कर रहे हैं क्योंकि आपका लास्ट नेम है आप है। आगे ये Ontario, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उनसे हम मिले थे और उनसे हमने कहा था कि कास्ट का ये मोशन है ये गलत है इस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं ये खत्म नहीं हुआ है नेक्स्ट अब ये देखिए ये हमारी फ्रेंड है पूजा ये उसने स्वस्तिक लगा दिया था स्कूल में आप देखिए सो <laughs> so मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि प्लीज जॉइन कमिटीज गो इन द कम्यूटीज फील फ्री टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ ब्यूटीफुल सनातन धर्म ये तो सारी दुनिया की जो भी समस्या है सारे दुख दर्द पर्सनल लेवल पे सोसाइटी लेवल पे सनातन धर्म ऑफर सोल्यूशंस इट इज प्योर लव सो प्लीज स्प्रेड दिस नॉलेज एंड बिकम अवेयर एंड एंगेज

Thank you. Thank you very much for this opportunity, Tahir Bhai. That's wonderful. I hope that uh, this is helpful. And English or Hindi ki khichdi banadi maine. But <laughs> thank you. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. बहुत बढ़िया आपने बातें सुनी In 30 minutes में उन्होंने निचोड़ दिया कि हमारे challenges क्या हैं